हेलो दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दशमलव वाली संख्याओं का। आपको 2 से 20 तक या 30 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होंगे, तो स्क्वायर नंबर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रूट फाइंड करेंगे। तो मेरा कोई भी नंबर दिया हो, नॉन परफेक्ट नंबर या डेसिमल नंबर, तो उसको हम ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर बी बाई टू रूट जो यहाँ पे नंबर है वही आएगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए 13 का, 13 को दो तरह से लिख सकते हैं, 16 माइनस 3 या 9 प्लस 4। तो ए के जगह पे रूट ए आएंगे, माइनस बी बाई टू रूट ए, ये फॉर्मूले हो गए। तो इसको हम सॉल्व किए यहाँ पे, तो क्या लिखें, ए के जगह पे क्या है 16 रूट 16, 3 के जगह पे क्या है 3/2 है, इंटू फिर रूट 16, फिर 4 हो गया 16 का रूट, 3/2 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा 32, -3/8 डिवाइड देंगे तो ये आएगा। फिर था इसी का दूसरा मेथड था 9 प्लस 4 से हम बनाएंगे, 9 प्लस 4 अगर लेते हैं क्या हो जाएगा, ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे ये है, तो √9 + 4/2 इंटू यही नंबर, हम जानते हैं 9 का रूट कितना होता है 3 + 4/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 का रूट 3, 2 2 जा 4। यहाँ देखेंगे 3 + 2/3 बचा, 3 3 जा 9 + 2 11/3, 11/3 को डिवाइड देंगे 3.625 मेरा आ गया। तो 13 को इस मेथड से बनाएं या इस मेथड से, दोनों मेथड से सेम आंसर आएंगे। अब एक हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे 10.5, तो ये 10.5 किस स्क्वायर के नज़दीक में है 9 के, तो 9 + 1.5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए को लिखेंगे √9 + b ऊपर, फिर 2 × √9, तो ये हो जाएंगे 9√3 + 1.5, 2 × √3। चाहे तो इसको काट दे 3 0.5 जा 15, तो इधर हो जाएंगे 3 + 0.5/2। अब जानते हैं 5 का आधा कितना होता है 2.5, पहले से एक पॉइंट है तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 0.25 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.25 आंसर। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100.5 दे लिए, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करें जो स्क्वायर के करीब हो, तो 100 + 0.5 हो जाएगा, इसमें ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी हो गया 0.5/2 इंटू यही नंबर। हम जानते हैं 100 का रूट 10 + 0.5/2 इंटू 100 का रूट 10। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से अगर काटेंगे दो बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 + 0.1/4, 1/4 को हम क्या लिखते हैं 0.25, पॉइंट एक पहले से है तो जगह 0.+0.025, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.025, इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
420। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे हम ब्रेक करें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के करीब हो, तो इसको 400 प्लस 20 लिख सकते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम जानते हैं रूट ए प्लस बी बाई टू इंटू ए। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे, 400 का कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से इसको काट दे 10 बार में, ये हो जाएगा 10/20, 400 का रूट, फिर 10 से आप काट दें 20 प्लस 1/2 को कितना लिखते हैं 0.5, 20.5।